रेलवे होटल टेंडर मामले में राबड़ी देवी के पटना निवास पर सीबीआई ने मारी रेड, तेजस्वी यादव से भी की पूछताछ। बिहार में पीएम मोदी ने भोजपुरी में की भाषण की शुरुआत, कहा प्रणाम करत बने। नानक शाह फकीर को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 13 अप्रैल को होगी रिलीज। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, बुधवार को होगी सुनवाई। झारखंड के सिमडेगा में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 7 घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में ईडी की याचिका पर आरोपी कीर्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट को नोटिस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के छठे दिन हिना सिद्धू ने शूटिंग में जीता गोल्ड, बॉक्सर हसामुद्दीन और मनोज ने भी मेडल किया पक्का। भारत बंद के दौरान बिहार के गया में लाठी चार्ज, आरा में फायरिंग। आलिया भट्ट की अगली फिल्म राजी का ट्रेलर हुआ आउट, देखकर आप भी कहेंगे कि बॉलीवुड में आलिया जैसा कोई नहीं।